Yes, right now I'm at my home in Bansi. But you wanna see magic? और अभी मैं हूँ अलीगढ़ अपने हॉस्टल में। यार इसी को ये टिकटॉकर्स बोलते हैं कि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ये ट्रांजिशन को ये तो बाएं हाथ से हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज एन खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एन खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और अभी मैं वापस आ गया हूँ अलीगढ़ अपने हॉस्टल में। फरवरी खत्म होने वाला है मगर मेरा टारगेट अभी तक पूरा अचीव नहीं हुआ है। अगर आप लोग भूल गए हो मैं कौन से टारगेट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में अपना टारगेट दिया हुआ था कि इस फरवरी के एंड से पहले मेरे 800 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करा दो, बट अभी थोड़े बहुत बाकी हैं। बट इंशाल्लाह आप लोग करा सकते हो और आप लोग कराओगे भी इंशाल्लाह। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, फलाना ढिमकाना। बाय द वे कल मैं रात में पहुँचा हूँ अलीगढ़ में, तो जिसके वजह से वीडियो अंधेरे में गुजर गई है ज़्यादातर, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स आएंगे काफ़ी नूर वाले होंगे, नूर भरे व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya, I just wanna run from this dunya, yeah, 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 yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya, the deen is a key to this dunya, yeah, 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 yeah. Cause I got Allah who is king of dunya, yeah. I got Allah who is king of your dunya, yeah. मुझे अगर 3-4 मिनट लगेगा पहुंचने में। व्हाइट कलर की कैप है। This dunya got me running through the six with my walls and my fresh new kicks. This dunya is a phone makes me slip me these pants. ये रहा अपना आफ्ताब हॉल। बड़े दिनों बाद, 11 महीनों बाद मैं वापस इस गेट पर आ गया। अच्छा, जब मैं सुबह सुबह ना बस पे बैठा तो यूजुअली बस जो है जितने बजे निकलती थी मतलब 8 बजे, उससे 30-40 मिनट लेट थी आज। तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मेरी ट्रेन थी 3:35 की लखनऊ से, तो मैं कहा भाई ट्रेन ना निकल जाए, छूट जाए। उससे पहले भी मेरी एक बार ट्रेन छूट चुकी है। मेरे साथ बगल वाली सीट पर जो बैठा हुआ था बस पे, वो मेरा पहचान का ही था, मतलब मेरे होम टाउन का ही था। वो क्या किया मतलब मुझे पहले से ही मन में डर लग रहा था कि कहीं बस ना छूट, अरे ट्रेन ना छूट जाए। और वो क्या बोल रहा है, अरे तुमको याद है पिछली बार भी हम लोग बस में बैठे थे और बस ख़राब हो गई थी, रुकना पड़ा था, हमें बस बदलनी पड़ी थी। मैं कहा आए, ये मेरी फाड़ दिया। तो वो बम फोड़ा उसने, फिर मैं कहा अरे, मतलब उसको दिलासा देने के लिए और अपने आप को भी, अरे ऐसा 1-2 साल में हो जाता है कि बस मतलब ख़राब हो जाती है क्योंकि वो टाइम पे सर्विस वगैरह नहीं करवाते, 1-2 साल में होता है, ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है। तो फिर से उसने बम फोड़ा, बोलता है हाँ 2 साल तो हो गए। मैं कहा अबे ये तो तू पूरा फाड़ दे मुझको आ जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त पर पहुंच गया और मैं हॉस्टल में हूँ। पूरा कैंपस जैसा लग रहा है सुनसान है। लोनली चचा गोइंग ऑन साइकिल हैं। पता नहीं आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, रात में एक फ़ोन से शूट करना उतनी विजिबिलिटी नहीं रहती है फ़ोन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर फिर भी अगर आप अभी यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फाइनली मैं पहुँच गया। खतरनाक सीढ़ी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। I got Allah who is king of your dunya. Yeah. तो मैं हॉस्टल में आ गया हूँ बट डाइनिंग बंद है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। मेरे साथ है इस्माइल भरभुइया, ही इज फ्रॉम असम। असामी में बोल के बताओ कि हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मुझे खुद आता नहीं है। अबे साले कैसा असामी हुए। जब मैंने कैमरा बंद कर दिया तो मुझे भाई ने बताया कि उसे असामी नहीं मगर बंगाली आती है। भाई साहब जरा बंगाली बोल के बताएंगे जा रहे हम लोग खाना खाने, ट्रांसलेट करो। अबे इतना फुटेज। अरे अच्छा रहने दे को बंगाली में क्या बोलते हैं? थकना। थकना? अच्छा वो जो मछली भात खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? माछ भात खाबो। अमोरा आज माछ भात खाबो। खैर इधर लाइट भी चली गई है तो फोटो में फोटो। अबे कहाँ गया?
आपकी सब्जी रोटी तो दिए नहीं आप। रोटी तो दिए तो ये रही प्लेट ले जाता। वो तो नया लग ही रहा। टेस्ट भी ऐसा ही होगा। माउंटेन ड्यू खाना पानी हो गया। अभी मेरी मगरिब और इशा दो नमाज कज़ा हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ नमाजें जमा करने। मैं कल ले लूँगा वो की सब चीज़। बहुत काम की चीज़ है। ओके ओके यू ओके आई विल डू दैट इंशाल्लाह। मेरे को डस्टबिन बता के इधर को है। क्या है डस्टबिन? वेयर द हेल इज द डस्टबिन? इतने जल्दी बंद कर दिए। फाइनली ब्रांड की धजिया उड़ाते हो। तेल का कीमत कितना बढ़ा रहा है तुझे पता है? तो 35 रुपये ऑयल का कीमत है और 65 रुपये सच्चा आ रहा था वियन टैक्स। हां 100 रुपये का ऊपर है भाई साहब। पूरा कैंपस ही खाली हो गया है। हां क्या लिखा है? आने लाए आलमी मसाए मुशायरा। तो अभी हम सर सैयद हॉल से हिजरत करके मोहसिनुल मुल्क हॉल आ गए। एक तो ये लैंप पोस्ट इतने हल्के फुलके हैं कि खुद ही को नहीं रोशनी दे पा रहे। हमें क्या देंगे? 35-500 का यही। कौन सा? ये जिक्सर? हाँ क्या वन भाई के भी। अरे तो सिंगल डिस्क है ना, सिंगल डिस्क आ जाती इतनी सस्ती। 35 बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टारगेट अचीव करवाइए और इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।